हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। एनसीईआरटी की बुक में से करवाऊंगी मैं ये, आपको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, संबंध। यानी कि जैसे माँ बाप का संबंध होता है, बेटा बेटी का संबंध होता है, इस तरीके से जैसा जो रिलेशन का इंग्लिश की डिक्शनरी में जो मतलब होता है ना, वही हमारा रिलेशन का मतलब मैथ के अंदर होता है। ठीक है। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू ए सेट वाई इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। एक रिलेशन आर कहाँ से, सेट एक्स से लेकर वाई तक, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। इस एक्स क्रॉस वाई की के कार्टेशियन का जो सबसेट आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। जैसे आर इज ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स क्रॉस वाई सच दैट एक्स रिलेशन टू वाई। ये जो नोटेशन है ये आपको मैं बताऊंगी, मैंने लिख रखी है सारी सारी नोटेशन, बताऊंगी मैं आपको क्या होती हैं। पहले एक एग्जांपल देखो, मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3 रिलेशन है, या फिर मैंने क्या ले लिया, सेट बी ले लिया 7 8 9। ठीक है, ये रिलेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है, यानि कि आर का जो रिलेशन है ए से लेकर बी तक, वो कैसे बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये सेट होता है, इसलिए जो नोटेशन होती है वो सेट की होती है। ठीक है, जैसे ये सेट हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, पहले क्या उठाएंगे हम यहाँ से, वन उठाएंगे। वन की किसके साथ हो सकते हैं, वन का 7 भी पे भी हो सकती है, वन की 8 के साथ भी हो सकती है, वन की 9 के साथ भी हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, 1.7 1.8 1.9। ठीक है, फिर हम क्या उठाएंगे, 2 उठाएंगे, ऐसे सिमिलर 2 की भी सबके साथ होगी, 2.7 2.8 2.9। ऐसे हमारे पास क्या होगी, 3 की होगी, क्या होगा, 3.7 3.8 3.9। ये हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। ये जो ए क्रॉस बी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। रिलेशन हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बताऊंगी मैं आपको। तो पहले हमने क्या लिया, 1 का रिलेशन लिया सबके साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, 1 का 9 के साथ। उसके बाद हमने 2 का लिया, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, 2 का 9 के साथ। फिर 3 का लिया, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 3 का 9 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था सेट। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। सेट हमारे पास क्या होता है, सेट सेट हमारे पास क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट होता है क्या होता है, एक वेल डिफाइंड, यानी कि वो खुद में क्या होती है, डिफाइन क्या होती है, कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट होता है। कार्टेशियन फॉर्म ये होती है क्रॉस बी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, आर आ गया कहाँ से लेकर, ए से लेके बी तक। ठीक है, अब एक नोट है, इफ एन ए इज इक्वल टू पी, मैंने एन ए ले लिया, एन क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, किसके को ले लिया, पी के, एंड एन बी, एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू, एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से कराऊंगी मैं आपको। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। यानी के जैसे इसके अंदर अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ रिलेशन हो कितने आएंगे, तो देखो एन ए क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, एन बी क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, मैंने इसको पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया। तो इसके अंदर जो सेट आएंगे ए से लेके बी तक, नंबर ऑफ सेट्स आएंगे, कितने आएंगे, ए क्रॉस बी, यानी कि ए की वैल्यू, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, बी के अंदर भी 3, तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, 2^p के होते हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो क्या आएंगे, 2^pq, यानी कि 2^p कितना है, 3 है, और क्यू कितना है, 3 है, तो 2^9। ये हमारे पास क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं।
तो इस एग्जांपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो कितने आएंगे, 2^9 आएंगे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको कितने निकाल के बताए थे, 9 निकाल के बताए थे। तो ये ऐसे हमारे पास कितने भी रिलेशन हो सकते हैं, टोटल कितने होंगे, 2^9 होंगे हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब जो मैंने नोटेशन यूज की है उनके सिंबल बताती हूँ मैं आपको। नोटेशन देखो, फर्स्ट जो ये है ई बोलते हैं इसको वैसे, तो ये हमारे पास क्या होता है, बिलोंग्स का साइन होता है, बिलोंग टू, जैसे क्या लिखूं, बिलोंग टू का साइन होता है। ठीक है, जैसे या भी क्या बोल सकते हैं कि ये इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 2 belongs to 1, 2, एक सेट दे रखा है 1, 2, तो 2 उसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 है वो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, अगर इसको मैं काट दूंगी ऐसे क्रॉस लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एन एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि 2 है। जैसे एक सेट ले लिया 1, 3, इसके अंदर 2 नहीं आ रहा, तो 2 does not belong to 1, 3, यानी कि 2 है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यू हमारे पास, यू क्या होता है, यू मीन्स यूनियन ऑफ सेट, यानी कि कोई सेट लूंगी मैं, जैसे एक सेट ले लिया a 1, 2, बी ले लिया 3, 4, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनियन के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये इस सेट की क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी। इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होती है, a = 1, 2 सेट ले लिया, b = 2, 3, 4 ले लिया, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो इंटरसेक्शन होता है, तो a इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, क्यों, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है, ये जो c की जो फॉर्म का होता है इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ सेट बोलते हैं, यानी कि किसी भी कोई सेट है उसका सबसेट बोलेंगे इसको। जैसे एग्जांपल लिया 1, 2, 3, किस एक एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5, जो ये 1, 2, 3 है ये इस सेट के अंदर भी है ना, तो इस 1, 2, 3 को इसका मैं क्या बोल दूंगी, सबसेट बोल दूंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 को। सिमिलरली उल्टा सी बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। सुपरसेट का मतलब होता है बड़ा, सबसेट का मतलब होता है छोटा, तो सुपरसेट क्या है, जैसे मैंने एक सेट लिया था 1, 2, 3, 4, 5 और एक लिया था 1, 2, 3, तो सुपरसेट यानी जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जैसे C को मैंने काट दिया तो ये क्या होता है, नोट ए सबसेट ऑफ। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने एक तो 1, 2, 3 सेट ले लिया, एक क्या ले लिया 10, 20, 30 या कोई कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, तो जो 1, 2, 3 है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, कंटेन नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोट ए सबसेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जो रिलेशन होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। पहला क्या है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हमारे पास कोई जैसे अननोन बंदा है, मैं उसको नहीं जानती, तो मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आर इज इक्वल टू फाइव, फाइव हमारे पास क्या होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइव है वो किसका सेट होएगा, ए क्रॉस ए का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक ले लिया ए 1, 2, 3, बी ले लिया मैंने 6, 7, 8, तो यहाँ से जो एम्प्टी सेट हो किस तरीके से निकलेगा, देखो क्या कंडीशन होगी, आर इज इक्वल टू x, y सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। ए के अंदर कौन कौन से सेट थे, 1, 2, 3 था, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 6, 7, 8 था। यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन वाई है, क्या एक्स का कोई भी एलिमेंट, सॉरी क्या ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है ना, तो इसके अंदर जो हमारे पास इस सेट को हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी सेट बोल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा संसार, जैसे पूरा सब कुछ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आर इज इक्वल टू x, y सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। मैंने ले लिया एक सेट, क्या ले लिया, 1, 2, 3 ए ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, बी क्या ले लिया मैंने 6, 7, 9। ठीक है, इधर ए है इधर बी है, ये हमारे पास क्या है, आर है। तो देखो कंडीशन क्या है, वाई किस में से आ रहा है, बी में से, बी का क्या है, 6 है, सिमिलरली 7, 9, तो देखो जो आर रिलेशन है हमारे पास वो क्या बनेगा, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए आर बी भी लिख सकती हूँ, यानी कि ए का बी के साथ रिलेशन। ठीक है, तो जो ए आर बी है वो क्या बनेगा, एक्स कोमा वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, ए में से आती है, यानी कि 1, 6
1 7 1 9। यहाँ पे क्या है, 6 भी 1 से बड़ा है, 7 भी 1 से बड़ा है, 9 भी 1 से बड़ा है। सिमिलरली क्या आएगा, 2 उठाएंगे तो 2 6 2 7 2 9। 2 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, 9 से बड़ा। अब क्या उठाएंगे, 3 तो 3.6 3.7 और 3.9। ये देखो, ये हमारे पास, अगर मैं क्या निकालूं, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ जाता है। ठीक है, अगर तुम इसको भी ध्यान से देखोगे ना, ये हमारे पास पूरा का पूरा ए क्रॉस बी बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आ जाता है, सारे के सारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ जाते हैं इसके अंदर। इनके पूरा का पूरा सेट आ जाता है, हर एलिमेंट आ जाता है उसके अंदर, ए का और बी का। ठीक है, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ईच, प्रत्येक एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यूनिवर्सल रिलेशन। अब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन करेंगे इसके अंदर। द रिलेशन, द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे ए के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं कोई भी सेट लेती हूँ, 1 2 3, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, यहाँ पे बी क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन किस तरीके से बनेगा, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ किस तरीके से बनेगा, 1.1 2.2 3.3, इस तरीके से बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इट सेल्फ में एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ए कोमा ए जहाँ पे ए है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए, क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, पहला हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए का हर एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास, इफ ए वन कोमा ए टू बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए टू कोमा ए वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर सॉरी ए। अगर मैं दो एलिमेंट लेके चलूँ सेट के, एक ए वन एक ए टू, अगर ए वन ए टू ए में बिलोंग, आर में बिलोंग करता है ना, तो ए टू ए वन है ना वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक बोल देंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर मैं तीन एलिमेंट लेके चलती हूँ किसी सेट के, जैसे मैंने ले लिया इफ ए वन कोमा ए टू बिलोंग्स टू आर एंड ए टू कोमा ए थ्री बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए वन कोमा ए थ्री बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तो क्या था कि दोनों के दोनों, यानी कि ए ए है वो ए में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। सिमेट्रिक में क्या आएगा, अगर दो एलिमेंट आर में, आर के मैं दो एलिमेंट लेके चल रही हूँ, तो ए वन कोमा ए टू आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए टू कोमा ए वन भी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है,
थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। इफ ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर एंड ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए वन ए थ्री बिलोंग्स टू आर। इनके पहले दो एलिमेंट अगर आर से बिलोंग करते हैं और दूसरे दो एलिमेंट भी आर से बिलोंग करते हैं तो पहला और तीसरा भी आर में बिलोंग करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास तीनों के तीनों कंडीशन हो जाते हैं उसको, तो उस रिलेशन को हम कैसा बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवाऊंगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट क्या है ए बी, सच दैट कंडीशन दे रखी कि ए है वो लेस देन और इक्वल होगा बी के, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें शो करना है कि जो ये रिलेशन दे रखा है ना, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव है, लेकिन कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होता है कि ए ए बिलोंग करना चाहिए ए से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, क्या कंडीशन देखी यहाँ पे, आर क्या दे रखा, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी कि ए किसके इक्वल है, बी के भी इक्वल है, तो यानी कि ए कोमा ए जो सेट है वो हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग कर जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या दे रखी है कि ए है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। मैंने इसी यहाँ से एक इक्वालिटी यूज कर ली, ठीक है। अगर ए कोमा ए आर में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, जो रिलेशन आर है वो कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक की होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए वन कोमा ए टू है ना, वो अगर आर से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज दैट ए टू कोमा ए वन भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू ए के लिए, फॉर ऑल ए वन ए टू बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, मैं क्या ले लेती हूँ, इसको बड़ा ले लेती हूँ, तो मैंने टू कोमा थ्री ले लिया, ठीक है। टू थ्री है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि जो टू है वो क्या है, थ्री से छोटा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हमें इसको बी ए क्या बनेगा, थ्री कोमा टू बनेगा, जो थ्री कोमा टू है वो तो आर में बिलोंग नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो थ्री है वो तो हमारे पास क्या है, टू से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन क्या होगी, फेल होगी, तो इसका मतलब जो आर है वो कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में क्या दिखाना होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जैसे मैं अगर ए वन ए टू है वो आर से बिलोंग करता है और ए टू कोमा ए थ्री है वो भी आर से बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए कि ए वन कोमा ए थ्री है ना वो आर में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, कंडीशन क्या दे रखी थी, आर क्या दे रखा था, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन दे रखी थी। तो देखो मैंने क्या ले लिया, ए कोमा बी और बी कोमा सी किससे बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आर से बिलोंग करते हैं तो ए लेस देन इक्वल टू बी हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है यहाँ से, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब अगर ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कोमा सी है वो किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया, यानी कि ये हमारे पास कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही दिखाना था कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा है, जो रिलेशन दे रखा है, वो रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, बट कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको, उसको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट वन टू थ्री गिवन बाय आर इज इक्वल टू वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो ये हमारे पास सेट गिवन है ना, ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन देखो आप, हमारे पास आर है वो क्या दे रखा है, वन वन टू टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री, ठीक है, ये दे रखा है। आर हमारे पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो वन वन है वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, जो टू टू है वो भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, थ्री थ्री भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आर तो रिफ्लेक्सिव तो है,
सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक के अंदर क्या होना चाहिए कि अगर 1.2 आर से बिलोंग करता है ना, तो 2.1 भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो 1.2 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बट 2.1 तो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो 2.1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हमारे पास कैसा होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो, वन हमारे पास, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है, 1.2 है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2.3 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1.3 है ना वो आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। 1.2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 2.3 भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1.3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो एग्जांपल करवा दिए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। कल हम कंटिन्यूटी में फंक्शन करेंगे, डोमेन रेंज करेंगे, 1, 1, 2, ये सब कुछ कल करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।